हेलो दोस्तों, गर्मी स्टार्ट हो गई है तो अभी घर पे एसी तो सर्विस करना पड़ेगा। सर्विस वाला नहीं आता तो क्या होता है, 10-15 मिनट में घर पे खुद आप खुद एसी सर्विस कर सकते हैं। एकदम इजी और सिंपल ट्रिक है, सिर्फ 10-15 मिनट होगा, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो चलो देखते हैं मैं पूरा सिस्टम एसी कैसे सर्विस करता है। खुद मैंने अपना खुद का एसी सर्विस किया है तो चलो आज मैं दिखाता हूँ। दोस्तों पहले देख लीजिए, ये इंडोर यूनिट है, अभी मैं बाहर का आउटडोर यूनिट दिखा देता हूँ, उसके बाद फुल सर्विस एसी कैसे करते हैं। सिंपल एकदम इजी है। ये आउटडोर यूनिट है, देख लीजिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट नाउ। एसी सर्विस करने के लिए क्या चाहिए, एक स्क्रू ड्राइवर है, ये ब्रश चाहिए और एक ब्लोअर चाहिए, बराबर है। तो चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट नाउ। पहले आउटडोर यूनिट का ये जाली को ओपन कर दीजिए, अब स्क्रू ड्राइवर लेके ये ऊपर का जो जाली है वो निकाल दीजिए। जाली निकालने के बाद ब्रश ले लीजिए। सी पीजी आप भी खुद घर पे कर सकते हैं, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बरोबर। जाली को इजी से स्क्रू निकाल, स्क्रू ड्राइवर चार निकाल दिया मैंने, अभी ये जाली भी निकाल दिया, ओपन कर लिया। जाली ओपन करने के बाद वो ऊपर कुछ उसका फैन रहता है, वो फैन को भी थोड़ा सर्विस करना, ब्रश ब्रश मारना, डस्ट ब्रश है वो, डस्ट सिर्फ डस्ट ही निकालना है बस, दूसरा कुछ नहीं करना है। ये पीछे का कंडेंसर है, बरोबर। ये अभी कुछ नहीं, ये ब्रश ले लीजिए। ब्रश लेके ये जो जो डस्ट होती है जो पंखे पे लगी है वो निकाल दीजिए। फिर ये ब्लोअर ले लीजिए, ब्लोअर को एसी से कनेक्ट कर दीजिए, ब्लोअर देखो। अभी ये एकदम परफेक्ट ब्लोअर मारने के बाद ये जो डस्ट होती है ना वो कंडेंसर में, वो पूरी कंडेंसर में चॉकअप नहीं होना चाहिए, एकदम बढ़िया कूलिंग आएगा। फिर अभी क्या करने का, थोड़ा ब्रश लेके अभी जाली लगा दिया है, सील कर दिया है। आउटडोर कंडेंसर तो साफ हो, अपना सर्विस हो गया, अभी इंडोर सर्विस कैसे करते हैं वो दिखा देते हैं। जैसे निकाला वैसे ही लगा दीजिए, इजी है। अभी ये इंडोर यूनिट है, इंडियन देखो, ये ब्रश चाहिए, स्क्रू ड्राइवर चाहिए, अभी ऊपर का ऊपर लीड है ओपन कर लीजिए। सभी में थोड़ा थोड़ा सिस्टम चेंज रहता है वो लीड ओपन करने के लिए, सबका लॉकिंग सिस्टम अलग अलग होता है। एकदम इजी देख लीजिए, लॉकिंग सिस्टम इजी रहता है, कोई नहीं है, थोड़ा देखना है टेक्निक कहाँ कहाँ से लगाया। देखो ये मैंने लीड ओपन कर लिया, लीड ओपन करने के बाद जो अंदर सभी एसी में फ़िल्टर रहते हैं, सभी एसी में अलग अलग डिज़ाइन के फिल्टर, वैसा सिस्टम तो सेम ही रहता है। ये फ़िल्टर निकाल दीजिए, ये फ़िल्टर को वॉश करना है, कैसे करना है वो भी मैं दिखाता हूँ। दोनों साइड दो फिल्टर है, वो फ़िल्टर हमने निकाल दिया। फिल्टर निकालने के बाद देखो फिल्टर, ये जो जाली है ना वो थोड़ा कंडेंसर में जो डस्ट बस होता है वो निकाल दीजिए। वो ब्लोअर से बहुत कोने में वोने में लगी हुई डस्ट नहीं निकलती, बरोबर। देखो ये फिल्टर, फिल्टर में डस्ट कलेक्ट हो जाती है, फिल्टर क्लीन एंड नीट होना चाहिए। फिल्टर कैसे वॉश करते हैं, एकदम ईजी है। आप घर पे जाकर पूरा फिल्टर का जो डस्ट है वो निकाल दीजिए, वॉश कर लीजिए। वो अपने घर पे टैप है तो टैप के नीचे लगा दीजिए, फिल्टर एकदम क्लीन एंड नीट होना चाहिए। ये हो गया देखो, क्लीन एंड नीट। अभी ब्लोअर ले लेते हैं, ब्लोअर मारते हैं, ब्लोअर मारने से पूरा डस्ट कंडेंसर चॉकअप नहीं होना चाहिए, तो कूलिंग पावर फुल मिलेगा, एकदम ईजी है। मैं तो हर साल घर पर ही ऐसी सर्विस करता हूँ, 250-300 रुपये बाहर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो गया, अभी ये ब्रश ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा डस्ट बस है वो निकाल दीजिए। बाहर आते हैं ऐसे ड्राई सर्विस करते 250-300 रुपये लेता है। साफ कर दिया ऊपर से, पूरा एसी साफ कर दिया, चलो अपना एसी सर्विस हो गया। 15-20 मिनट से ज़्यादा होता ही नहीं है। मैं हर साल दो बार करता हूँ, साल में दो बार एसी सर्विस करता हूँ, एकदम सिंपल है, इजी हो जाता है। अभी पूरा एसी सर्विस करने के बाद, चालू करने के बाद कैसा फ्लो आता है, कैसा रिजल्ट है वो भी मैं दिखाऊंगा, एकदम बढ़िया रिजल्ट आता है। एसी सर्विस के बाद कूलिंग फ्लो भी बढ़ जाता है, कूलिंग इफेक्ट भी बढ़ जाती है, एकदम पावरफुल कूलिंग आता है। ये थोड़ा डस्ट पर से निकाल देने का बस,
हो गया एकदम सिंपल, 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं होता है। अभी चलो अभी एसी स्टार्ट करके देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। हर साल मैं खुद ही घर पे ही करता हूँ, चलो फाइनली एसी सर्विस हो गया, स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा फ्लो अच्छा रखा हूँ, टेम्परेचर 20-22-21-25 तक रखो, थोड़ी देर आधा घंटा चलाओ, एकदम पावरफुल कूलिंग आएगा। देखो 10-15 मिनट के बाद आपको तब तुरंत पता चल जाएगा, एकदम रिजल्ट बढ़िया। अभी कूलिंग देखो, फ्लो भी बढ़ गया है, कूलिंग भी पावरफुल हो गया है। दोस्तों अपना वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसी नई नई सिंपल सिंपल ट्रिक के साथ दोबारा मिलेंगे। बाय।